साथ ही गुरुग्राम में दवा विक्रेताओं की समस्या को खत्म करने के लिए अब गुरुग्राम का खुद का गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन होगा। संगठन में अध्यक्ष समेत 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है जिनको सर्वसम्मति से चुना गया। देखिए, हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल हब गुरुग्राम है। यही नहीं, हजारों की तादाद में अकेले गुरुग्राम में मेडिकल स्टोर है। लेकिन इन मेडिकल स्टोर संचालकों को पिछले काफी समय से कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अब इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सभी दवा विक्रेताओं ने मिलकर गुरुग्राम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन का गठन किया है। यह संगठन हरियाणा स्टेट केमिस्ट एसोसिएशन के विक के तौर पर काम करेगा, तो वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन से मान्यता प्राप्त होगा। चेयरमैन के पद पर ओपी ललित, अध्यक्ष राकेश मित्तल को बनाया गया। इसके अलावा उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी अरुण बत्रा को बनाया गया। खजाची पवन गोयल, ऑडिटर के तौर पर SP गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई। वहीं PRO और कंपनी अफेयर का पद नितिन गुप्ता को दिया गया है। ये हमारे संगठन में 10 साल पहले गुड़गांव शिविर का एक चुनाव किया गया था। 10 साल से वो चुनाव 2 या 3 साल के लिए किया गया था, लेकिन 7 साल से बिना एसोसिएशन चुनाव के चल रही थी। और एक व्यक्ति विशेष ही स्वयंभू बना हुआ था और हमारे केमिस्ट साथियों को भी तंग कर रहा था, डिपार्टमेंट को भी तंग कर रहा था। वो काम सुचारू रूप से नहीं होने दे रहा था। तो आज भगवान की दया से, आप लोगों के सहयोग से दिन आया है कि एक नई यहाँ पे बॉडी बनी है और संस्था स्टेट का और ऑल इंडिया का पूरा सहयोग इस संस्था को रहेगा। कोई भी इनकी जो दिक्कत आई वो दूर की जाएगी। गुरुग्राम के दवा विक्रेताओं को कई बड़ी समस्या से जूझना पड़ता है। कई ऐसी दवा है जिन्हें मेडिकल स्टोर पर बेचने पर प्रतिबंध किया हुआ है, जबकि ऑनलाइन ऐसी दवाओं को बेचा जा रहा है। इसके अलावा ड्रग्स लाइसेंस बनाने में भी लोगों को जो परेशानी आ रही थी उसे खत्म करने के लिए नव नियुक्त अध्यक्ष राकेश मित्तल ने दवा विक्रेताओं को आश्वासन दिया कि उनके सामने कोई ऐसी समस्या आती है तो एक दिन में ही इसको खत्म किया जाएगा और उनके लाइसेंस आसानी से बनाए जा सकेंगे। सारा हमारा जो है केमिस्ट साथियों की भलाई के लिए, उनकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ाने के लिए, उनकी हर तरह से विभाग से उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे, कोई गलत काम हमारा केमिस्ट यहाँ ना करे, नशा ना बेचे, MTP किट ना बेचे, ड्रग एक्ट का पालन करे, उस पर हमारा पूरा फोकस रहे। ऑनलाइन फार्मेसी हमारे केमिस्ट के बिजनेस को बहुत ज़्यादा खा रही है, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे काम भी वो कर रहे हैं। जो बैन ड्रग हैं काफ़ी साइटों पर वो भी बेची जा रही हैं, जैसे सिडनाफिल साइट्रेट है, हमारे यहाँ विभाग ने बैन लगाया हुआ है, मतलब बैन इन द सेंस की ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं करनी है, लेकिन वो बेच रहे हैं और उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, जिससे हम अभी यहाँ विभाग से कोऑर्डिनेट करके इसको हम कंप्लेंट भी देंगे और आगे सरकार से भी बात करेंगे। मेडिकल स्टोर संचालकों को अब इस बात की राहत है कि गुरुग्राम की अपनी एक ऐसी एसोसिएशन है जो हर वक्त उनके लिए गुरुग्राम में खड़ी नजर आएगी। यही कारण है कि इस संगठन के गठन होने के बाद मौजूद तमाम दवा विक्रेताओं ने इस बात का स्वागत किया और एक उत्साह भी नजर आया कि पिछले काफी समय से कई बड़ी समस्याएं दवा विक्रेताओं के सामने थी, लेकिन अब उनके समाधान के आसार नजर आ रहे हैं। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।